ये वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रही हूँ, एक्सपीरियंस अबाउट शिफ्टिंग टू रोहिणी, स्पेशली दिल्ली। तो रोहिणी में आके मैं यहाँ पर आई थी अपने कॉलेज के लिए। व्हेन मैं जब सर्च कर रही थी रहने के लिए रोहिणी में, शिफ्ट होने के लिए, कि कहाँ होना है, पीजी लेना है या फिर फ्लैट देखना है या फिर क्या देखना है, क्योंकि मेरा कॉलेज रोहिणी में है और मेरा घर जो कि फरीदाबाद में है। तो डेली का अप डाउन कर सकते हैं, बट अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्रेफर ही ना करें, क्योंकि इट टुक यू समथिंग 4 आवर्स और 3.5 आवर्स और मे बी मोर देन दैट अगर ट्रैफिक मिल जाता है तो। ट्रैफिक मिल जाता है बाय मेट्रो भी, इट टेक्स यू 4 to 5 आवर्स, तो वो वेस्ट है टोटल। आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाओगे, कोई मेहनत, कोई मतलब हिम्मत नहीं रहेगी काम करने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सुपर एनर्जेटिक हो तो दैट इज़ डिफरेंट। बट जब मैं डिसाइड कर रही थी तो मैं पहले हमेशा प्रेफर करती हूँ यूट्यूब पे जाना, देखना वीडियोस कि किसी ने इसके बारे में वीडियोस बनाई है कि कैसे शिफ्ट होना है। तो इन सर्च कुछ ज़्यादा नहीं था, कुछ भी ज़्यादा नहीं था। तो अगेन आई गो टू देन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, वहाँ पे ग्रुप्स बन जाते हैं कि अगर फ्लैटमेट चाहिए लाइक दिस। तो मैंने सर्च किया किया तो पहले, देन मैंने फाइन, जब मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स पे भी देखा, वहाँ ब्रोकरेज ज़्यादा थी, फ्लैट पता नहीं कहाँ था। तो और ये देखना, क्योंकि तब हमारा जब कॉलेज फिजिकल मोड में आ रहा था ऑनलाइन से, क्योंकि हमने पूरा 1 साल ऑलमोस्ट ऑनलाइन बिताया था। देन हम दिस फेबररी में 2021 हमारा कॉलेज ने डिसाइड किया कि वो ऑफलाइन जाएंगे, फिजिकल मतलब हाइब्रिड रखेंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो मैंने जब सर्च करना स्टार्ट किया तो ऐसा कुछ मिला नहीं, बहुत कंफ्यूज हो गई बल्कि मैं यूट्यूब पे जाके कुछ वीडियोस देखकर, कुछ मतलब क्लियर नहीं था। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप क्या कर सकते हो अगर आप रोहिणी में शिफ्ट हो रहे हो एज एन स्टूडेंट और प्रोफेशनल। अगर वर्क करते हो आप यहाँ पे तो आप एक तो या तो पहले आप पीजी शिफ्ट हो जाओ, जो मैंने किया, लाइक पीजी शिफ्ट हुई मैं पहले और देखा कि एरियाज़ कैसे हैं। देन पीजी से कुछ थोड़े इश्यूज़ हो गए थे पीजी में, तो और इवन पीजी फॉर नॉट मेरे लिए वो लॉन्ग टाइम नहीं था। तो मैंने जब फ्लैट पे शिफ्ट मतलब जब मैं फ्लैट देखने लगी, तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो आपका कोई नोन हो, नोन के थ्रू आप किसी ओनर को जानते हो या फिर समथिंग, तो या तो आप ब्रोकर की, क्योंकि हाँ रोहिणी में बहुत ब्रोकर्स हैं, तो यहाँ पे ब्रोकरेज के थ्रू इजीली मिल जाता है। तो मैंने वही किया, ब्रोकर के थ्रू गए, एक मेरी फ्रेंड थी उनके, उन्होंने एक ब्रोकर से मिलाया। तो हम ब्रोकर के थ्रू हम फ्लैट्स देखना, हमने पूरा एक दिन स्पेंड किया, पूरी दोपहर जब जाके ये वाला फ्लैट हमने फाइनल किया। बिकॉज एक चीज़ है मेरे लिए कि थोड़ा बाथरूम की स्पेस ना थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए और थोड़ा मतलब अच्छे एरिया में हो, लाइक नॉट, और प्लस रेंट फैक्टर सबसे बड़ी चीज़, के लिमिटेड मनी है तो लिमिटेड ही सब कुछ होना चाहिए। तो ये हमारे लिए ठीक बैठ रहा था ऑन एन एवरेज। तो फिर हमने ये हमें मिला पूरा, हमने एक दो, तो हम इसका रेंट था 10,500, उतना ही सिक्योरिटी मनी और प्लस ब्रोकरेज। तो हमें थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा, बट जगह अच्छी थी, लोकेशन अच्छी थी और ये फ्लैट भी अच्छा था, तो और हमारे कॉलेज के बहुत पास था, तो हमने ये हमने ले लिया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। और अगर आप मेरा फर्स्ट यही है कि अगर आपको ऐसे ही नहीं ब्रोकर के थ्रू जाना है, तो आप पहले पीजी में शिफ्ट हो जाओ। यहाँ पे पीजी आपको मिल जाएंगे कुछ 5,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ मैं रही थी उनका ऑलमोस्ट 5,000 रेंट था पर मंथ, विदाउट फूड, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट वाटर, वाटर सप्लाई, वाटर जो भी इनके यहाँ आता है उसके बिना, मतलब रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल। गैस बिल अगर आपके किचन सेपरेट है तो आपको गैस बिल, पानी का भी बिल होता है, तो वो सब होता है। और यहाँ पे ऐसे भी पीजी से जो आपको फूड भी प्रोवाइड करते हैं, 10 to 12,000 का रेंट होता है। शेयरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने शेयर कर रहे हैं, लाइक थोड़ा एक्सपेंसिव आता है। वाईफाई वाले भी हैं जो थोड़े और एक्सपेंसिव हैं। तो मतलब प्रीतमपुरा इज़ द बेस्ट एरिया फॉर पीजीज यहाँ सेक्टर रोहिणी में। यहाँ पर रोहिणी में सेक्टर 5
और विजय चौक सेक्टर 5, वो भी सेक्टर 5 में आता है, वहाँ पे मेनली पीजीज हैं, तो पीजीज इस रेंज में होते हैं, 5,000 एंड 10,000, 12,000, 15,000 ऐसा होता है। तो अलग अलग फैसिलिटीज़ होती है हर पीजी की, तो आप या तो जिस डायल पे जाके देख सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप उस पे भी जाके देख सकते हो, जो हाउसिंग नॉन ब्रोकरेज एप्स होते हैं, मैंने उनके थ्रू भी देखा था, तो उनके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। तो ये है कि आप पहले ये देख लो, क्योंकि अगर आप फ्लैट लेते हो, जैसे आप यहाँ पे शिफ्ट हो गए पीजी में, अब डिसाइड करो कि हमें फ्लैट लेना है, वो थोड़ा चीपर पड़ेगा हॉस्टल से या फिर जो भी है, क्योंकि बाकी चीज़ें भी कंसिडर करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे फिर वही है कि 200 यूनिट्स का तो बिल ही नहीं आता इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो आपका रेंट होगा। मेरे में पानी का भी बिल नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी में ही है। जितना समर चलाओगे, मतलब जितना आप मोटर चलाओगे पानी की, उतना ही बिल आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में। तो रेंट वॉज देयर, इलेक्ट्रिसिटी बिल वॉज देयर, वो भी 200 यूनिट से ऊपर जाएगा तो ही देना पड़ेगा। अभी तक मैंने 7 से 8 महीने में सिर्फ दो बार ही बिजली का बिल भरा है, जब एसी चल रहा था मेनली। और हाँ, तो ये इंक्लूडेड है। बाकी कुछ फ्लैट्स में ऐसा भी होता है कि पानी का बिल भी सेपरेट होता है, मतलब तीन चीज़ हो जाती हैं। बाकी आपकी, मेरी किचन सेपरेट है, लाइक ये अनफर्निश्ड फ्लैट था, तो मैंने यहाँ पे एसी लिया था, फ्रिज लिया है रेंट पे, एसी भी रेंट पे था। अगर आपको एसी चाहिए तो आपको एसी भी मिल जाएगा रेंट पे, वो मैंने किसी ऐप के थ्रू नहीं लिया, वो मैंने लोकलाइज किसी शॉप से लिया था। उसका रेंट था फॉर मार्च में, अगर लगाते मार्च या अप्रैल में, तो वो नवंबर दिसंबर तक आपको देगा पूरा टोटल। उसकी 2,500 सिक्योरिटी ली थी उसने मुझसे, और 6,000 उसका रेंट होता है, तो 6,000 नहीं मिलेगा। वो जो 2,500 है वो आपको रिफंडेबल डिपॉजिट होता है वो आपके एसी के लिए, और जितनी बार भी आपके एसी में कुछ होता है वो फ्री करके जाते हैं, सब कुछ फ्री होता है। हाँ, ये प्रोसेस है एसी के लिए, अगर आपको रेंट चाहिए तो। और अगर आपको रेंट पे फ्रिज लेना है, तो उसका मैंने वीडियो अलग से बनाया है, जो कि मैंने रेंट पे लिया है, रेंटो मोजो से मेरा फ्रिज आया है, तो वो आप मेरी वीडियो दूसरी वाली में देख सकते हैं कि उसका क्या प्रोसेस था और मैंने कैसे लिया है। तो जो एरियाज़ आर गुड टू, मतलब जितने मैंने एरियाज़ देखे हैं रहने के लिए, एक्सेसिबल है मेट्रो से, काफ़ी एक्सेसिबल है मेट्रो से, वो सेक्टर 6, 5, 8, ये बहुत एक्सेसिबल है। सेक्टर 9 इज़ ऑल्सो एक्सेसिबल, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करके आपको आना पड़ेगा। ये आर एक्सेसिबल है मेट्रो के। बाकी 24, सेक्टर 24, 18 आर थोड़ा दूर है, और थोड़े कॉलोनीज वगैरह है, बुद्ध जैसे बुद्ध विहार इज़ लिटिल फार, मतलब फार दूर नहीं है, पर एरिया जो थोड़ा रहने लायक है, लाइक सेक्टर 5, सेक्टर 6, 8, 9 इज़ गुड। तो ये मैंने देखे, 11 सेक्टर इज़ गुड, तो 7 ऑल्सो। तो ये सब एरियाज़ हैं जिस, और मार्केट की बात करें तो सेक्टर 5 और 6 और 8 वाले लोग सोमवार मार्केट मार्केट के लिए आते हैं। यहाँ पे फ्राइडे मार्केट भी लगती है सेक्टर 5 में, विजय चौक, विश्राम चौक पे लगती है। और जो सोमवार मार्केट रोड है वो फेमस है, वो बुद्ध विहार पुलिस स्टेशन के सामने लगती है। तो वहाँ पे आप इजीली कुछ भी परचेज कर सकते हो अपने फ्लैट या फिर अपने पीजी के लिए। 20 रुपीज़ के, 20 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, प्लास्टिक का प्रोडक्ट होता है, जैसे हमारी किचन में यूज़ होते हैं सब चीज़ें, कप्स वगैरह, मतलब बहुत चीप प्राइस में आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छे में, मतलब फ्लैट, अगर आपको अपने फ्लैट मैनेज करना है तो। मैंने वहीं से किया है, मतलब मोस्ट ऑफ द बर्तन तो मेरे घर से थे, छोटी मोटी चीज़ें जो रह जाती हैं अपने फ्लैट के लिए, तो वो मैंने वहीं से लिए। वो अच्छा मार्केट है, आप मंडे मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप शिफ्ट हो रहे हो तो। और अगर ग्रोसरी की बात रही या फिर हमारे घर के और सामानों के बारे में या फिर क्लोथ्स के बारे में, तो यहाँ पे मॉल्स भी बिल्कुल पास में है, मेट्रो के बिल्कुल पास में ही है। तो यहाँ पे लाइफ स्टोर है, शॉपर स्टॉप है, बिग बाज़ार है, मेगा मोर है, यहाँ सब, यहाँ पे इजीली आप जा सकते हो, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो सब आसपास ही है, तो आप इजीली परचेज कर सकते हो। ग्रॉसरीज लेनी है, कपड़े लेने हैं, लाइफ स्टाइल भी है यहाँ पे, तो आप जा सकते हो किसी भी मॉल में। अब ट्रांसपोर्टेशन का कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन मेरे फ्लैट से बहुत ईजली है। मैं नीचे जाती हूँ, मेरा मेन रोड पर ही है, मतलब मेन कनेक्टेड है, तो मैं नीचे जाती हूँ, मुझे ई रिक्शा मिल जाता है, ई रिक्शा के 10 रुपीज़ फॉर मेट्रो। मैं वॉक भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ से 5 या 10 मिनट लगते हैं मेट्रो स्टेशन के, वॉकिंग डिस्टेंस पे है मेरा फ्लैट। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इजी, क्योंकि मेट्रो स्टेशन इज़ वेरी, मतलब वेरी क्लोज बाय, सो ये है। और सिक्योरिटी की बात करूँ लाइक रहने की, तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब दिल्ली इज़
थोड़ा बहुत तो होगा, बट ऐसा नहीं है, मैंने अभी तक ऐसा कुछ फेस नहीं किया है कि कुछ ज़्यादा ही वो हो, बट इट इज़ अ सेफ एरिया। सेक्टर 5 में मैं रह रही हूँ, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। सेक्टर 6 भी मैंने देखा है, तो मैं यहाँ की बात कर रही हूँ मेनली सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। इट इज़ गुड एरिया टू लिव। और सो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने कैसे शिफ्ट किया और कैसे डिसाइड किया कि क्या क्या बेटर रहेगा। तो दिस इज़ इट। मे बी आपको हेल्प करे आपको शिफ्ट होने में और आपको एनालाइज करने में कि क्या चीज़ आपके लिए बेटर रहेगी।